यहां पर लिखी हुई है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, यानी कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। देखिए, आपने या कुछ साथियों ने ऐसी लाइन पढ़ी होगी, सुनी होगी कि किस्मत से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिल नहीं सकता है। तो इसके बारे में गीता में कुछ कहा गया है, और गीता में भाग्य किनका खुलता है इसके बारे में कहा गया है कि कर्मण्येवाधे कारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा भविष्य में। तो कर्म का रास्ता ही हमारे भाग्य का दरवाजा को खोलता है, ये सब जगह कहा गया है। और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि जब अगर हम किसी कामयाब शख्स की फोटो देखते हैं, आज आपको यहाँ पे बहुत सारी फोटो नजर आ रही होगी, चाहे वो रतन टाटा हो सकते हैं, बिरला हो सकते हैं, अंबानी हो सकते हैं, प्रेम जी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, फोटोज आपको नजर आ रही है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस बात पे यकीन किया कि हम अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो थोड़ी आगे और बात करते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप जिंदगी में कुछ बेहतर चाहते हैं क्या? क्योंकि आज की मेरी सारी बातचीत का मतलब तभी निकलेगा आपके लिए जब आप लाइफ में कुछ बेहतर चाहते हैं। तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लाइफ में क्या कुछ बेहतर चाहते हैं। अभी से जैसी जिंदगी, अभी जैसी लाइफस्टाइल है, अभी जो इनकम है, अभी जो घर है, अभी जो गाड़ी है, क्या अपनी जिंदगी से कुछ बेहतर चाहते हैं? चैट बॉक्स में आप लिखिए। डेफिनेटली आप लिख रहे हैं और मैं मुझे समझ पा रहा हूं कि आप लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं। देखिए, आज बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आदमी नहीं चाहता है। जैसे मान चलिए आदमी चाहता है कि उसका कोई, मतलब वो किसी का नौकर ना हो, उसका कोई बॉस ना हो, कोई सुबह अलार्म क्लॉक उसे नहीं जगाए, उसकी मर्जी से वो जगे, उसके साथ में कोई राजनीति ना हो, इसे किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, समझौता ना करना पड़े, कोई भेदभाव उसके साथ में ना हो, और सिर्फ एजुकेशन की वजह से, यानी कि वो सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज या कोई भी वो एजुकेशन कम ले पाया, उसकी वजह से उसकी सक्सेस लिमिटेड हो जाए, ये आदमी नहीं चाहता है। आदमी क्या चाहता है? आदमी चाहता है कि उसको बढ़िया सर्विस मिले और प्रोडक्ट्स मिले, क्योंकि आदमी को अच्छी सर्विस और प्रोडक्ट की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। जब आदमी किसी बिजनेस की शुरुआत करता है तो आदमी क्या चाहता है? कि मेरा वहां पे रिस्क कम हो, जब मैं बिजनेस शुरुआत कर रहा हूं तो थोड़े शुरुआत में कम पैसे लगे, और मेरा जो बिजनेस है, कभी कोई COVID-19 का पीरियड आया, कभी कोई मंदी आई, कभी कोई चैलेंजेस आए, तो मेरा बिजनेस प्रभावित ना हो और टैक्स का बेनिफिट भी मुझे मिले। आदमी की बहुत सारी ख्वाहिशें, आदमी चाहता है कि मेरे पास में असीमित पैसा हो, मेरे पास में एक ऐसा इनकम आए जो जिंदगी के साथ भी आए, जिंदगी के बाद भी आए, एक ऐसे माहौल में मैं काम करूं जो मुझे अच्छा लगे, हाँ ये यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। आदमी चाहता है कि उसका कोई बॉस ना हो, आदमी चाहता है कि समय की आजादी हो, मतलब इस समय ही काम करना है, इस समय ही खाना खाना है, इस समय ही घूमने जाना है, ऐसा बंदिश मुझे नहीं चाहिए। आदमी चाहता है कि जो वो काम कर रहा है वो महत्वपूर्ण हो, कोई गैर महत्वपूर्ण काम आदमी नहीं करना चाहता है। आदमी चाह रहा है कि जो काम वो करता है उसमें उसकी ग्रोथ हो, उसका विकास हो। आदमी चाहता है कि एक अच्छा सर्कल उसके पास में हो, हम चाहते हैं कि हमारा नेम एंड फेम हो, हमको लोग जाने पहचाने, हम सुरक्षा चाहते हैं। अब मुझे एक चीज आप बताइए, अगर इन सब के साथ में अगर आपको जिंदगी मिले, देखिए एक आदमी की चाहत है, लेकिन अगर ऐसी जिंदगी मिले तो कैसा रहेगा सर? आप चैट बॉक्स में ये भी लिख के बता सकते हैं कि अगर इन सब चीजों के साथ में आप जिंदगी मिले जिसमें आप इंजॉय कर पा रहे हैं, आप मौज मस्ती कर रहे हैं, आपको अपने परिवार की चिंता नहीं है, आपके पास सिक्योरिटी है, नेम एंड फेम है, सब चीजें आपके पास में है, ये जिंदगी कैसी रहेगी? और मेरा दिल से मानना है ये जिंदगी बड़ी शानदार रहेगी। तो चलिए इस जिंदगी के बारे में थोड़ी सी और आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद जिसकी वजह से आज हम आपसे मुलाकात कर पा रहे हैं, उसने हमें बनाया है और वही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। ये मेरा परिवार जिनका मुझे लगातार सपोर्ट मिला, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में है, और ये मेरे वो माता पिता है जिन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया लेकिन मेरे माता पिता से कम भी नहीं है। ये वो सभी साथी टीम चैंपियन के जिनके सहयोग के बिना मेरा यहाँ पे पहुंच पाना संभव ही नहीं था, इनका लगातार मेरे साथ में एक कमिटमेंट है, और आदरणीय श्री टीसी चावड़ा सर, कंपनी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने वाले, एक आम आदमी को खास बनाने वाले हमारे एमडी महोदय, और अगर मैं बात करूं मेरे वो सारी ग्रेट अप्लाइंस जिनका मुझे सहयोग मिला, मैंने उनका हाथ पकड़ कर बिजनेस में चलना सीखा, और स्पेशली एक व्यक्ति का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा, मिस्टर सचिन अग्रवाल।
मेरा ऐसा मानना है कि सतयुग में एक राम भगवान हुए थे, और अगर इस श्याम अग्रवाल के लिए इस युग में कोई राम भगवान है तो वो सचिन अग्रवाल है। देखिए, यूएस का जो प्लेटफॉर्म है इसका महत्व इतना ज्यादा है, मैं अगर आज यहाँ पर स्टार भी हूं तो यूएस की एजुकेशन की वजह से हूं। तो नेचर ने हमारे लिए हर कुछ बराबर बनाया है। जैसे मान चलिए मैं छोटी सी घटना बताता हूं कि किसी के हाथ से कोई पेंसिल गिर जाएगी या पेन गिर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो नियम सबके लिए काम करता है। तो जब अगर आज इस दुनिया में कुछ लोग कामयाब हैं, जिनको हम देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, रिश्तेदार में देखते हैं, सगे संबंधी में देखते हैं, वो कामयाब हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि नेचर ने सबको बराबर समय दिया है, 24 घंटे सबको दिए है, सबको बराबर शक्तियां दी है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सबके अंदर मेरा ही अंश है। तो जब हमारे अंदर में उस परमात्मा का अंश है, हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? तो नेचर ने सबके लिए बराबर दिया है। लेकिन साथियों, हम कितना सीखते हैं और उसको कितना हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी आर्थिक विषमताएं पैदा होती है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक पूरे वर्ल्ड का एक सर्वे किया गया, 2022 का ही ये रिपोर्ट है और बहुत रिसेंट ये रिपोर्ट है। इसमें भारत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं। और ये सर्वे जो करने वाले थे वो वर्ल्ड के वेल नोन्ड 100 ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस सर्वे को किया। इस सर्वे में भारत के बारे में थोड़ा सा आपको मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। आज भारत में अगर मैं पैसे की बात करूंगा तो 1% ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास में पूरे भारत का 22% पैसा है, और हमारे भारत में 50% ऐसे लोग हैं जिनकी अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं साल की तो मात्र 53,610 रुपए है। अगर मैं बात करूं एसेट्स, यानी कि आदमी ने जिंदगी में जो भी काम किया अभी उसके पास में क्या है, तो यहाँ पर भी बात करते हैं जो टॉप 1% इंडियंस हैं उनके पास में अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, 3,24,49,360। जबकि आप मिडिल क्लास को देखिए, 7,23,930, और एक आम आदमी को देखिए, केवल 66,000 रुपये, और ये आधी जनता है भारत की। तो ये आज हमारे देश की आर्थिक विषमता है। अच्छा, जब हम इस प्रोसेस में आते हैं कि हमें पैसा कमाना है तो हमारे पास में कई तरह के ऐसे काम है। अच्छा, ये काम हम कैसे इंस्पायर होते हैं? कुछ हो सकता है पड़ोसी से होते होंगे, कुछ दोस्तों से होते होंगे, कुछ रिश्तेदारों से होते होंगे, कुछ घर में बताया गया। तो जैसे भी एजुकेशन हमें मिले, जैसा इन्वायरमेंट मिला, जैसे हमारी सोच बनी, उसके हिसाब से आज 5 तरह के काम हम करते हैं। सबसे पहला हम जो काम करते हैं उसको हम कह सकते हैं दैट इज ब्लू कॉलर। देखिए, ब्लू कॉलर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ब्लू कॉलर जॉब एक ऐसा काम होता है जहां पे आदमी अपने हाथ पैर या मैं कहूँ कि शारीरिक श्रम से पैसा कमाता है। यानी कि मजदूर हो सकता है, कोई वो किसान भाई हो सकते हैं, वो कोई कुली बुती करने वाला हो सकता है, कोई गाड़ी चलाने वाला हो सकता है। तो अगर हम इस काम को करते हैं या इस काम को कोई भी करता है, तो क्या आपको लगता है कि जो हमने ड्रीम लाइफ के अभी हमने सुना था कि जो ड्रीम लाइफ हम चाहते हैं, क्या वो इस काम में मिल पाएगी? तो मेरा ऐसा मानना है इस काम में वो ड्रीम लाइफ तो नहीं मिल पाएगी। तो अगले काम की तरफ में चलते हैं, दैट इज व्हाइट कॉलर जॉब। देखिए, व्हाइट कॉलर में कौन आते हैं? वो सभी आते हैं जो अपने शारीरिक श्रम से अपनी इनकम नहीं बनाते, बल्कि वो एक स्मार्ट तरीके से बनाते हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट के रूप में बनाते होंगे, वो आपको नजर आ सकते हैं किसी बैंक में, जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो आपको नजर आ सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस के एजेंट भी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे डॉक्टर्स, वो हमारे हो सकते हैं लॉयर्स, वो हमारे हो सकते हैं अकाउंटेंट। यानी कि एक वेल नोन्ड एक ऐसा जॉब है जिसमें आदमी पैसा अच्छा कमाता है। देखिए, जब हम व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ में आगे बढ़ते हैं, इस काम में हम आगे बढ़ते हैं, तो आदमी 2 तरह के वर्गों में डिवाइड हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब की मैं बात नहीं करता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो सबको मिलती नहीं है, बहुत लिमिटेड है। और आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है तो पेंशन की मैं अगर बात करूं या आगे मैं रिटायरमेंट प्लान की बात करूं तो उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस हैं और वो किसी को मिलती भी नहीं है। तो आदमी क्या करता है, आदमी सोचता है कि चलो मैं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर लेता हूँ, मैं किसी छोटी मोटी जगह काम कर लेता हूँ। तो आदमी जब वहां पे जाता है तो वहां पे भी इसको वो सब चीजें नहीं मिल पाती है। तो फिर आदमी सोचता है कि थोड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जाता हूँ, किसी बड़ी कंपनी में जाता हूँ और वहां पे मैं काम करता हूँ। तो जब आदमी MNCs में जाता है तो वहां पे उसकी 2 तरह की मानसिकताएं बनती है।
पहली मानसिकता होती है हाइडर और दूसरी मानसिकता होती है अचीवर। तो आदमी जब ये सोचता है कि मुझे अचीवर बनना है तो लाइफ में आगे बढ़ने का सोचता है कि मैं अगर किसी जॉब को कर रहा हूँ तो मुझे उसमें ज्यादा पैसा चाहिए, लगातार मेरा इनकम बढ़ते रहना चाहिए, लाइफस्टाइल बढ़िया होती रहना चाहिए। तो वो प्रयास करता है कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे ही कोई भी शख्स प्रयास करता है कि मुझे आगे बढ़ना है, जो उस ऑलरेडी उस संस्थान में जो लोग हैं वो उसको टारगेट करते हैं। और उस कंडीशन में जो आदमी अचीवर बनना चाहता है उसके पास में केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि जो भी वहां के पहले से टॉप जो साथी हैं, जो पहले से वहां पे अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनके साथ में जी हजूरी करना, उनकी हाँ में हाँ मिलाना और अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनको कैसे दबाना, यानी कि टोटल राजनीति। तो जो लोग बिल्कुल अचीवर्स की कैटेगरी माना चाहते हैं, तो टॉप पोजिशन पे जो लोग होते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि योग्यता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, वो एक्चुअली बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। आदमी दूसरा ऑप्शन अगर चूज करता है कि मान के चलो मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है, मुझे जॉब तो चाहिए लेकिन मुझे ज्यादा इस लफड़े में नहीं पड़ना है, तो वो थोड़ा छुपने का कोशिश करता है, हाइडर वो व्यवहार करता है। लेकिन आज के डेट में हाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में क्या हम उस ड्रीम लाइफ को जी पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि कुछ चीजें मिल सकती है लेकिन अल्टीमेटली वो जिंदगी तो नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सेल्स की। देखिए, सेल्स के बारे में कहा जाता है कि सेल्स करने वाला अपना चेक खुद लिखता है। बिल्कुल सही है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप सेलिंग करेंगे उतना आप पैसे कमाएंगे। और जब हम सेलिंग करते हैं तो क्या करता है कि आदमी अपनी लाइफस्टाइल का क्राइटेरिया सेट करता है कि मैं ऐसी गाड़ी में जाऊंगा, ऐसे घर में जाऊंगा, मैं ऐसे बच्चों को मैं एडमिशन कराऊंगा। वो अपनी लाइफस्टाइल का एक कैटेगरी सेट करता है। लेकिन उसके बाद में मंदी आती है, उसके बाद में सरकार का नियम बदल जाता है, उसके बाद में कंपनी को लॉस, कुछ कंपनी का अलग से कुछ प्लान होता है, तो वो कंपनी स्विच करता है, उसी कंपनी में भी रहता है। तो जब ये सब समस्याएं आती है तो उसकी इनकम वापस में कम हो जाती है। तो जब इनकम कम होती है तो आदमी क्या सोचता है कि अब चूंकि लाइफस्टाइल तो उसकी हाई हो चुकी है, इनकम कम होगा तो चलेगा नहीं, तो वो वापस उसको लेने का प्रयास करता है, उस लाइफस्टाइल को लेने का, और उसके लिए और ज्यादा मेहनत करता है। पहले 8 घंटा, तो अभी 10 घंटा, फिर 12 घंटा, यानी कि वो समय को यूज करके वो इनकम लेने वाली मशीन बन जाता है और अपने परिवार के लिए शायद उसके पास में समय नहीं होता है। तो शायद ये जिंदगी भी वो जिंदगी नहीं है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। एक बहुत बढ़िया काम है जिसमें हम कहते हैं कि जिसमें सपने पूरे होते हैं, यानी कि बिजनेस। लेकिन एक आदमी सोचता है कि यस, जब कोई चीज मैं बड़ा करना चाह रहा हूं तो बिजनेस की मैं शुरुआत करता हूं, तो आदमी बिजनेस की शुरुआत करता है। तो जब वो बिजनेस की शुरुआत करता है तो पहले क्या करता है, थोड़ा कहीं से अपने रिलेटिव से पैसा ले लेता है या अपनी कुछ जमा पूंजी को लगा देता है। उसका बिजनेस थोड़ा सा और एक्सपेंड होता है। जब थोड़ा और बिजनेस बढ़ता है तो फिर क्या करता है, लीज पे कुछ चीजें लेगा, कुछ पर्सनल गारंटी पे चीजें लेगा, पैसा फंडिंग इकट्ठा करेगा, इन सब चीजों को वो करेगा। फिर थोड़ा बिजनेस और आगे बढ़ता है, अब उसको मैनेजमेंट के लिए अलग अलग लोग चाहिए। एम्प्लॉई को हायर करना है तो उसके लिए अलग चाहिए, सीए अलग चाहिए, अकाउंटेंट के लिए जो मैनेजमेंट करना है उसको अलग चाहिए, उसको हर चीजों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं वो करता है। और एक ऐसी स्थिति आती है जब आदमी शायद कि उन सबको फीस देने के बाद में, उन सबको पैसे देने के बाद में, क्योंकि उसको पूरी व्यवस्थाएं करने के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ता है, तो उनका पेमेंट देने के बाद में शायद इसके पास में अपने खर्चों के लिए बहुत लिमिटेड पैसा बचता है। और जो उसका अगले का स्टेज आता है वो आता है कि या तो आदमी दिवालिया हो जाएगा और या तो आदमी टॉप सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर दिवालिया हो गया तो वैसे भी जिंदगी का मजा तो नहीं आएगा, और अगर सक्सेसफुल भी हो गया, बिजनेस जबरदस्त भी हो गया, तो भी उसके पास में टेंशन हमेशा रहेगी। बिजनेस मैन के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी में वो मरने के बाद भी कुछ सेकंड तक उसका दिमाग चलता रहता है, तो ये जिंदगी भी वो जिंदगी नहीं हो सकती है। इन्वेस्टर की बात करते हैं। यस, अगर आपके पास में बढ़िया पैसा है, आपके पास में ज्यादा पैसा है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसमें करेंगे? जैसे मान चलिए कोई नया स्टार्टअप किसी ने शुरू किया, अगर आपके पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं, आप उसको कुछ पैसा देंगे, आप रिस्क चाहे तो उठा सकते हैं। और कहाँ लगाएंगे? किसी हमने शेयर में लगाए, क्योंकि बैंकों में तो कोई बहुत ज्यादा हमें ब्याज मिलने वाला नहीं है, हमने शेयर में पैसे लगाए। लेकिन शेयर का मार्केट ऐसा है जस्ट लाइक ए गैम्बल, रातों रात कब वो शेयर डाउन हो जाए आपको पता नहीं चलता है। और अभी रिसेंटली बड़ी तेजी से क्रैश हुआ हमारा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों। तो इन अगर मैं पांचों टाइप के काम की बात करूंगा तो ये हमें वो ड्रीम जिंदगी नहीं दे पाता है।
और आज जनरली किसी भी घर की बात करूंगा, किसी भी अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूंगा, तो आदमी सोचता है कि मुझे जॉब मिल जाए या मेरे बेटे को जॉब मिल जाए। तो जॉब का जो ट्रेंड है ये बहुत तेजी से भी फैल रहा है। तो जॉब के ट्रेंड में पहले क्या होता था कि आदमी ये सोचता था, देखिए गवर्नमेंट जॉब तो वैसे मिल नहीं रही है, आदमी ये सोचता था कि चलो एक काम करता हूँ, मैं अच्छी पढ़ाई करता हूँ, अच्छा जॉब लेता हूँ और कंपनी के प्रति मैं वफादार रहूंगा, और मेरा जब रिटायरमेंट हो जाएगा, जब मैं काम करने के लिए उतना सक्षम नहीं रहूंगा, तो कंपनी मेरा देखभाल करेगी। लेकिन ये प्लान आज काम करता नहीं है, क्योंकि हम किसी कंपनी के प्रति वफादार हो जाए जरूरी नहीं कि कंपनी उतना ही वफादार हमारे प्रति भी रहे। तो लोगों ने फिर जॉब करने के ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई क्या किया, बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छी कंपनी में जॉब करो, और हर 3 साल 4 साल में कंपनी चेंज करो इनकम बढ़ाने के लिए। और आदमी इसी प्रोसेस में बुढ़ापे तक मजबूरी में काम करता है, और बुढ़ापे तक भी इसको वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाती है। एक और बड़ा ट्रेंड जो अभी उभर के आ रहा है वो है रिनोवेशन का, क्योंकि आज सब चीज जो हो रहा है, कंप्यूटर का जमाना आ गया है, सब चीजें फास्ट हो गई है, और आज ऑटोमेशन का जमाना है। आज लोगों की रिक्वायरमेंट पहले किसी संस्थान में जो थी आज और कम हो गई है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे पहले हम कस्टमर केयर में कॉल करते थे, चाहे वो मोबाइल का ही क्यों ना हो, तो शुरुआत में कंप्यूटर ही में जवाब देता, जबकि पहले कोई आदमी या कोई महिला जवाब देती थी। अगर हम देखते हैं कि फिल्मों की बात करते हैं तो थिएटर्स में भी लोग जाते हैं, लेकिन OTT का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग घर पे बैठ के फिल्में देख रहे हैं। अगर मैं और बात करूंगा, जैसे पहले आदमी को सामान लेना होता था तो वो फोन से ऑर्डर करता था, लेकिन आज ऑनलाइन का जमाना है, आप ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन से आपको ऑर्डर आता है। पहले बैंकों में आप जाते थे, आप पासबुक देते थे, वहां पे एक व्यक्ति होता था जो पासबुक की एंट्री करता था, लेकिन आज आप जाते हैं वहां पे आदमी नहीं है, वहां पे मशीन है। आप मशीन में डालते हैं, पासबुक में एंट्री होती है और आपका पासबुक वापस मिल जाता है। तो इस ऑटोमेशन का जमाना है, और लगातार आने वाले समय में हमें समय के बदले में पैसा मिलने वाला नहीं है, बल्कि हम अपनी जो योग्यता वहां पे देने वाले हैं उस योग्यता के आधार पे ही मिलने वाला है, क्योंकि नॉर्मल जो काम है, बाकी जो काम है वो तो मशीनें ही कर लेगी। तो स्पेशलाइज्ड हमें होना पड़ेगा, उस तरीके पे हमें जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आज जनरल जॉब ट्रेंड में आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में हमें ड्रीम लाइफ तो जीनी है ना, और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि यस, इस परिस्थिति में, इस माहौल में हम जी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं, और उसको जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परिवर्तन खुद में, डिसाइड टू एडॉप्ट चेंज। और परिवर्तन किस चीज में करना पड़ेगा, आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा, परिवर्तन हमें छोटी सी चीज में करना पड़ेगा, और परिवर्तन करना पड़ेगा सबसे पहले अपनी सोच में। क्योंकि अगर हमको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आज जो कर रहा हूं सब कुछ सेटल है, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि विराट कोहली पहले कैप्टन थे, रीजन क्या था, लेकिन जो पेपरों में चल रहा है कि उनको हटाया गया, और मतलब यहां तक चल रहा है कि जबरदस्ती हटाया गया, वो राजी नहीं थे। अब इसके पीछे रीजन यही हो सकता है कि वो शायद T20 में परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन उसके पहले में उन्होंने कितना बढ़िया प्लेइंग किया। लेकिन अगर थोड़ा सा, अगर कहीं व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर वो परफॉर्मेंस को अगर नहीं कर पाता है, तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी हो सकता है अपनी उन सब चीजों से पीछे हटना पड़े, उन सब चीजें उसके हाथ से छीनने वाली है जो आज उसके पास में है। तो हमारे पास में आज जो भी लाइफस्टाइल है, अगर आज हम बदलाव के लिए तैयार नहीं रहेंगे, कुछ बदलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो जरूरी नहीं कि आज जो लाइफस्टाइल है हमेशा हमारे पास में वो रहेगी। और बदलाव जो मैं बात कर रहा था, छोटा सा एक बदलाव करना है, और बदलाव करना है हमारे खरीदारी के तरीके में। आप बोलेंगे सर कि खरीदारी के तरीके में, जिंदगी में वो सारी खुशियां चाहिए, और फिर खरीदारी के तरीके में बदलाव लाने से कैसे खुशियां आएगी। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ट्रेडिशनल मार्केट में 65 लाख करोड़ का व्यापार होता है, और आप सोच के देखिए अगर यही पैसा अगर डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कंपनी होती है, एजेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, विज्ञापन है, और आपके पास में सामान आता है, 5 का माल 10 में आता है, बीच का जो व्यापार है, ये पूरा व्यापार का पैसा 50% पैसा आपकी जेब से चला जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी से आपको माल डायरेक्टली मिलता है, कंपनी के ऑथराइज दुकानों से, यानी कि बीच का जितना पैसा है सब आपके पास में आने वाला है, और ये 65 लाख करोड़ है, और इसका 45% बिजनेस वॉल्यूम आने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस ये थोड़ा सा परिवर्तन, कि आज के बाद में अगर मुझे सामान लेना है तो कहां से लेना है, अगर इतना थोड़ा सा परिवर्तन हम कर लें, तो जिंदगी में वो सब खुशियां आने की शुरुआत हो सकती है।
डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हो सकता है कि आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि सर इसमें ये कमियां हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिंदगी में परफेक्ट तो एक ही आदमी, वो है परमात्मा। डायरेक्ट सेलिंग ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा दिल से मानना है इट इज बेटर, ये बेटर है, ये बेहतर है, और मुझे जो पता है कि ये बेस्ट तरीका है हमारे सपनों की जिंदगी को जीने का। हर चीज यहां पर है। अगर आप बात करेंगे कि जो चीजें हमने पहले डिस्कस किया था, नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, हर चीज यहां पर है। एवरीथिंग इज इन वन प्लेटफॉर्म। और डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा, आज भारत में लगभग 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और ये भविष्य में होने वाली है 64,500 करोड़। इमेजिन कीजिए कि 2025 में 64,500 करोड़ होने वाली है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। और ये फिक्की केपीएमजी की रिपोर्ट है और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि बिजनेस इससे आगे जाने वाला है। तो हमें कितना परसेंटेज लेना है 64,000 करोड़ में से, मुझे लगता है कि ये हमें रातों की नींद उड़ाने वाला है। तो इस इंडस्ट्री में जब आए हैं तो आर्ट्स एंड बिजनेस ही क्यों, क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्ट्स एंड बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है, लेकिन आर्ट्स एंड बिजनेस हमें क्यों करना है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है। आर्ट्स एंड बिजनेस वो कंपनी है जिसने डायरेक्ट सेलिंग को एक सही पहचान दिलाई। आरसीएम बिजनेस को 20 साल का एक्सपीरियंस है और इसके केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा, ये तीनों आरसीएम बिजनेस के उद्देश्य हैं। आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की खास बात यह है कि गरीब से गरीब भी ले सकता है और अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। आरसीएम बिजनेस की बात करूंगा तो पूरे देश भर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं। 60% से ज्यादा प्रोडक्शन आरसीएम बिजनेस खुद करता है जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे एक अत्याधुनिक लैब है जहां पे जांच होती है, हर प्रोडक्ट आपके पास में आता है तो क्वालिटी टेस्टिंग के बाद में आता है और बहुत बड़ी व्यवस्था है। और ये भारत की मैं बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में सबसे बड़ी व्यवस्था है कि 10,000 से ज्यादा दुकानें पूरे भारत में फैली हुई है, 160 से ज्यादा डिपो है और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले पॉल यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत बड़ी व्यवस्था है और प्रोडक्ट की रेंज जो है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, रेट ऐसा कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है और क्वालिटी ऐसी कि अमीर से अमीर भी इसको उपयोग कर सकता है। देखिए आज पूरे भारत में कई सारे पैटर्न्स में हमारे पास में दुकानें हैं, 5 लाख से लेके 1-1 करोड़ का स्टॉक तक आज आरसीएम के वंडरवर्ल्ड पीक वंडरवर्ल्ड्स में सामान आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपके नियरेस्ट जो सेंटर है, आपको आज जिसने इन्वाइट किया है, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये आरसीएम का वंडर वर्ल्ड है, 17 लाख स्क्वायर फीट पे है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। आप सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए 17 लाख स्क्वायर फीट, और भारत में एकमात्र ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जिसका 17 लाख स्क्वायर फीट पे हेड ऑफिस है, दैट इज आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम बिजनेस ही करना चाहिए, मेरा ऐसा दिल से मानना है। देखिए जब हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं तो आरसीएम बिजनेस में हमें सारे फायदे मिलने वाले हैं, वो सब चीजें हमें मिलने वाली है जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में मिलता है लेकिन विदाउट रिस्क। और यहाँ पे हम जो काम करते हैं, देखिए शुरुआत जब हम करते हैं तो शुरुआत तो हम करते हैं कि हम शुरुआत में सीखते हैं, शुरुआत में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर थोड़ा पैसा आता है, फिर थोड़ा काम करते हैं, फिर थोड़ा पैसा आता है। लेकिन ये एबिलिटीज बिजनेस में है कि आने वाले समय में, आने वाले 1 साल के अंदर में, आने वाले 2 से 5 साल के अंदर में, ये हमें उस इनकम लेवल पे ले जाता है जहां पे पैसा जिंदगी के साथ भी आता है और जिंदगी के बाद भी यहाँ पे पैसा आता है। ना किसी रिस्क के ट्रेडिशनल बिजनेस के सारे फायदे हैं। और शुरुआत में जैसे मैंने बात किया कि जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा काम करते हैं तो पैसा आता है, लेकिन अगले 1 साल में 2 साल में 5 साल में उस लेवल पे जाते हैं जिस लेवल पे जाने के बाद में उसका वो रिपीटेशन होता है, रॉयल्टी आती है और जिंदगी के साथ भी आती है, जिंदगी के बाद भी आती है। तो इसको कह सकते हैं कि घर पहुंच पैसा, और कोई बाउंड्री नहीं है इनकम की, हम जितना चाहे उतना अर्न कर सकते हैं, जितना चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। इस बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में एक ही चैलेंज है सर, कि जब हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो जो हम बात करते हैं लोगों से, हमारे पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सगे संबंधियों से, नए लोगों से, तो कुछ ऐसे इग्नोरेंट पीपुल हो सकते हैं जो हमारी बातों को नहीं समझे और हमें ऐसा लग सकता है कि उससे हमारे संबंध थोड़े से खराब हो रहे। अगर हम केवल इस बात के लिए तैयार रहें कि ये टेम्पररी लॉस है, ये परमानेंट लॉस नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था मुझे भी मेरे पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने थोड़े से रिलेशन में खटास आने की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज यकीन मानिए, आज इस कामयाबी के साथ में
आज सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बहुत बढ़िया डिसीजन था, और मेरा ऐसा मानना है बस यही इस बिजनेस में थोड़ा सा चैलेंज है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, देखिए दुनिया में हर किसी की बात हर कोई नहीं समझ पाता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने बिजनेस की शुरुआत किया और लोग मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं करने चाहिए, तो शायद इस बिजनेस को बिल्ड करना आपके लिए एक बड़ा ट्रेवल होगा, बड़ा ट्रबल होगा, आपको बहुत परेशानी आएगी। लेकिन अगर आप इस बात को समझ गए कि इस बिजनेस में एजुकेट होना और आप जिनको बातचीत कर रहे हैं उनको काउंसल करना, उनको एजुकेट करना, अगर ये आपका काम है, अगर आपने समझ लिया कि एजुकेशन की इंडस्ट्री है, मैं बताना चाहता हूं यू गोना टू रॉक। आपके पास में जिंदगी में वो सब चीजें मिलेगी जो आप हमने पहले डिस्कस किया था, वो सपने, वो ड्रीम लाइफ सब मिलने वाली है। इस बिजनेस में जब हम शुरुआत करते हैं तो तीन तरह के लोग आते हैं। पहले वो होते हैं पोजर्स, यानी कि वो सोचते हैं कि मैं दो चार पांच को ज्वाइन करा दूं फटाफट, इसकी मेंटेलिटी कि मैं करा दूं उसके बाद में वो लोग आगे काम करेंगे। कुछ समय तक हो सकता है ये काम भी करे, लेकिन लंबे समय तक ये काम नहीं करता है। दूसरी कैटेगरी आती है एमेच्योर की, यानी कि वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, ये नहीं मानते कि कोई एजुकेशन सिस्टम इसका अलग से है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो सोचते हैं कि वो कमी ऑफलाइन में निकालते हैं, वो कंपनी को अपने हिसाब से डीलिंग करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट को अपने हिसाब से लाना चाहते हैं, वो हर चीज अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और ये कहलाते हैं एमेच्योर। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ साथियों कि दुनिया में कोई भी काम, कौन कामयाब होता है, कौन पैसे कमाता है, वो होता है प्रोफेशनल। तो अगर आप चाहते हैं कि आज से बिजनेस में आपको वो सारी खुशियां चाहिए, तो आपका बनना पड़ेगा प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बनने के लिए तीन चीजें आती है, दैट इज एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल। आपका नजरिया इस बिजनेस के प्रति, अपने जिंदगी के प्रति, आप नॉलेज लगातार ले रहे हैं और उसको अप्लाई कर रहे हैं, स्किल में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई कि 10,000 घंटे लगते हैं मास्टर बनने के लिए। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपके पास में अपने काम के साथ में, शुरुआत में काम के साथ में दीजिए, और अगर आप इसको अगले 2 से 5 साल देते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप इस आर्ट्स एंड बिजनेस के मास्टर बन जाएंगे। और मास्टर जो होता है वो दुनिया में हर चीज हासिल करता है। जो भी व्यक्ति किसी भी चीज का माहिर खिलाड़ी होता है, उसके पास में वो सभी चीजें उपलब्ध होती है। तो लर्निंग नहीं करेंगे, तो एक्शन नहीं करेंगे, तो अर्निंग भी नहीं होगी। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि लोग तैयार हैं। लोगों को एक प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिए, लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कुछ लाइफ में सीरियसली करना चाहता है। लोग उनके साथ में नहीं आना चाहते जो ट्राई करने के लिए आते हैं। तो प्रोफेशनल बनना है, और जो भी चीजें हैं आज हमने जिंदगी में, आज हम कर रहे हैं, हमने यही पे सीखा है, तो कोई भी काम जिंदगी में सीखना मुश्किल नहीं है। चार चीजें हमें बिजनेस में समझनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट्स। देखिए इस बिजनेस में महीने के करोड़ों करोड़ों के टर्नओवर होते हैं, तो यानी कि प्रोडक्ट तो मूव हो रहा है। अगर प्लान की बात करूंगा तो महीने में 1,00,000 से ज्यादा लोग हर महीना आर्सम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, यानी कि प्लान वर्क कर रहा है। सिस्टम की बात करूंगा तो अगर ये सब चीज नहीं होती तो सिस्टम कैसे, अगर सिस्टम कमजोर होता ये सब चीजें कैसे होती, यानी कि अपलाइन भी हमारे यहाँ पे दमदार है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दमदार है, यूएस दमदार है। अब जो चौथी चीज हमें समझने की जरूरत है वो है हम। तो हम अपने अंदर में इस एजुकेशन को लेने के समय में जो बदलाव धीरे धीरे लाएंगे, वही बदलाव हमें कामयाबी की तरफ में धीरे धीरे लेकर जाएगा। देखिए थोड़ा सा बदलाव जब आदमी लाता है तो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत बड़ी होती है। एक यहाँ पे आपको टेनिस के प्लेयर नजर आ रहे होंगे, मिस्टर नोवाक जोकोविच। इन्होंने जब 49% पॉइंट्स को वन करना शुरू किया था तो मैचेस जीतते थे 49% और इनकम थी $0.3 मिलियन। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, यानी कि 52% पे आ गए, तो इनकी इनकम पहुंच गई मतलब $5 मिलियन। और जैसे ही और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया, यानी कि 3% और किया, यानी कि 55% पे आ गए, तो इनकी इनकम हो गई $14 मिलियन, यानी कि 42 गुना। 49% से 55%, यानी कि 6% का इंप्रूवमेंट और इनकम 42 गुना। थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट ह्यूज इंपैक्ट जिंदगी में लाता है। और यहां पर आप बड़ी कामयाबी लेना चाह रहे हैं, कुछ सीढ़ियां यहाँ पे बनी गई है। तो आप थोड़ा सीखिए, थोड़ा चले, थोड़ा सीखिए, थोड़ा चले। 1,000 से शुरुआत हो सकती है। मेरी शुरुआत इस बिजनेस में 514 से हुई थी। तो आपकी शुरुआत किसी भी इनकम से हो सकती है। जैसे आप सीखते जाएंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, चलते जाएंगे, तो 21 सीढ़ियां हैं। अगर आपने 21 सीढ़ियां चल ली तो 1,000 की इनकम से आप महीने की 50,00,000 या उससे ज्यादा की इनकम पर भी जा सकते हैं।
दो चीजें आपको इस बिजनेस में ध्यान रखनी है। पहला है डायमंड कर्व, यानी कि जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आज से बिजनेस की आप शुरुआत करते हैं, तो आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, और आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो कुछ मत कीजिए, अपने पड़ोसी पड़ोसी का, अपने कुछ चंद लोगों के स्वास्थ्य का और सेहत का ध्यान रखिए, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। और जब आप करेंगे तो यही आपकी टीम में डुप्लीकेट होगा। और डिस्प्ले वॉल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने घर पे दो तीन महीने का या मान के चलिए 10,000 से ज्यादा का आप सामान लेकर आते हैं, तो आपके पास में पावर आ जाती है कि आप कहीं भी किसी भी टाइम में उसकी बिलिंग कर सकते हैं, अपने टीम को दे सकते हैं, आप अपने नए साथियों को दे सकते हैं। इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, बहुत ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, क्योंकि हम जब से सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आज मैं केवल 6 बेसिक की बात करूंगा। दो चीजें और हैं, 7 कार्डिनल जो चीजें हमें नहीं करनी है, और 8 कोर एक लीडर बनने के लिए जो हमें करना है, लेकिन बेसिकली 6 काम हमें इस बिजनेस में करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस में आपको बड़ी इनकम पे जाना है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में 6 बेसिक पे चल के सब चीजें हासिल कर सकते हैं। पहला है यूज द प्रोडक्ट्स एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी कि आप इस बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आप यूज करेंगे और लोगों को प्रमोट करेंगे तो आपने पहला काम कर लिया। दूसरा काम करना है, आप जिनको भी जानते हैं, जिनसे भी आप मिलते हैं, सबकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि सबको प्रोडक्ट की जरूरत है और हर किसी को एक अच्छी जिंदगी की जरूरत है। तीसरा काम करना है, अब आपको उनसे संपर्क करना है, क्योंकि आप उनसे मिलेंगे तभी तो बात कर पाएंगे, चाहे वो डिजिटली हो चाहे फिजिकली हो। चौथा है, अब आपको उनको प्लान शो करना है, यानी कि क्या ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आदमी अगर आप कहेंगे कि आर्ट्स एंड बिजनेस, तो लोग बोल सकते हैं हाँ मुझे तो सब पता है, लेकिन अगर वो सीरियसली बैठकर अगर इसका मार्केटिंग प्लान देखेंगे जो लगभग 10-12 मिनट का है, तो उस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं, अगर आपको आज मार्केटिंग प्लान शो करना नहीं आता है, जिस भी साथी ने आपको इन्वाइट किया, आप उनके साथ में बैठिए, अपने लोगों से उनकी मुलाकात करवाइए, और धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। और पांचवा है, उनसे पुनः संपर्क करना है, यानी कि आपने किसी को बता तो दिया, लेकिन हो सकता है कि उसको एक बार में समझ में न आए, उसके मन में कोई सवाल हो, कोई शंका हो, या कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति उसको मिले जो उसको एक अलग धारणा दे दे, क्योंकि मतलब रायचंदों की पूरे भारत में कोई कमी नहीं है सर। आदमी किसी की प्रोसेस कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसी होगी, शायद इसको वो एक परफेक्ट प्लान ना दे पाए, लेकिन कैसे उसको अपना ज्ञान बांटना है, इस पे आदमी सबसे आगे रहता है। और छठवां जो करना है, दैट इज स्टार्टअप, यानी आपने जिसने बिजनेस में लाया, जिसको आपने बिजनेस में लाया, आपको सही शुरुआत उसकी करनी है, या अपनी खुद की सही शुरुआत करनी। तो ये 6 ही चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस में करनी पड़ती है। आर्ट्स एंड बिजनेस में कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, कुछ छोटे छोटे काम है जिसको रेगुलर करना पड़ता है, और रेगुलर करने से यहाँ पे बिजनेस में सारी कामें भी आपको मिलती है। लास्ट में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल मेरे दिल से जुड़ी हुई है, और मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ कि एक बीज में ताकत होती है पूरा जंगल बनाने की। देखिए, कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने बिजनेस की अगर अकेले शुरुआत भी कर लिया, मैंने कुछ लोगों से बात की, अगर उन्हें मना कर दिया तो क्या होगा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बीज से पूरा जंगल बन सकता है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी किसान एक बीज को खेत पर डालते हैं, आम का मान के चलिए आम का बीज है, तो एक आम के बीज को लगने में 2-5 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं, और वो आम का पेड़ बन जाता है। अब उस आम के पेड़ में कितने सारे फल लगे हैं, अब वो फल जहां जहां पे गिरेंगे या कोई खा के उन बीजों को फेंकेगा, वहां पे वो पेड़ बन जाएंगे, फिर उन पेड़ों में जो फल लगेंगे और वो जहां जहां गिरेंगे वहां पे पेड़ बन जाएंगे। तो एक आम का बीज में वो ताकत है, किसी भी बीज में वो ताकत है कि वो पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। और मेरा से दिल से मानना है कि शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि मैं अकेला ही चला था, जानी बे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। तो बिजनेस और जिंदगी ऐसी होती है कि आप शुरुआत करते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे साथ में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये मिस्टर भावेश अग्रवाल जो कि ओला के सीईओ है, भावेश अग्रवाल जी ने जब ओला की स्थापना की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये ऐसी ट्रेवलिंग के लिए जाते थे। एक बार क्या हुआ कि पुणे से इनको कहीं जाना था और इन्होंने एक टैक्सी हायर की, तो उस टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में बोला कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, अदरवाइज आपको मैं उतार दूंगा, और वो मामला सेट नहीं पाया तो उनको उतरना पड़ा। तो उनको ये समझ में आया कि अगर ये चीज मेरे साथ में है तो ये किसी के भी साथ भी होती होगी। तो इन्होंने उस विचार को उस समय अपने दिमाग में शक्ति प्रदान की, और इन्होंने आज से कुछ साल पहले, चंद सालों पहले, इन्होंने ओला का निर्माण किया, और आज इनका जो नेटवर्थ है 4288 करोड़। यानी कि सोचिए कैसे एक छोटे से विचार से आदमी कहाँ पे पहुंच सकता है। एक बीज
कितने सारे लोगों को जिंदगियां दे रहा है, कितने सारे लोग आज इनके माध्यम से नौकरी ले रहे होंगे, कितने सारे लोग आज इनके माध्यम से, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो कोई इसमें यात्रा करने वाला यात्री हो, कितने लोग फायदे ले रहे होंगे। ये है आपके सामने मिस्टर रितेश अग्रवाल, ओयो के मालिक। अब इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये ऐसी ट्रेवलिंग करते थे, तो एक बार कई बार मतलब इनके साथ में ऐसा हुआ कि होटल जाते थे, देखते थे कि होटल का जो कमरा तो ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि उसका पब्लिसिटी नहीं है, उसका प्रमोशन नहीं, तो होटल उतना चलता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओयो का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आया इनके, और इन्होंने ओयो की स्थापना की। आज अगर मैं रितेश अग्रवाल जी बात करूंगा, तो इनका टर्नओवर आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा 7,253 करोड़ इनका नेटवर्थ है। 7,253 करोड़, आप इमेजिन कीजिए कितना बड़ा ये नेटवर्क है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है। तो बिल्कुल एक आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हर आदमी में वो ताकत है कि हर आदमी कहीं भी पहुंच सकता है। आप अपने आप को एक बीच मत सोचिए, अगर आपके पास में कोई दमदार विचार है तो विचार लोगों तक जाएगा, और डेफिनेटली आप तो कामयाब होंगे ही होंगे, और आप जिसको बताएंगे वो भी कामयाब होंगे। और ये है मिस्टर निखिल कामत और मिस्टर नितिन कामत, ये दो ब्रदर हैं। और अगर मैं बताना चाहूँ कि इन्होंने भी जीरो से शुरुआत किया था, क्योंकि IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया, ये इसके अंतर्गत 40 के एंटर ये आते हैं, और जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो कहलाते हैं सेल्फ मेड, ये उनको ही लेता है, और जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज्यादा होता है। और आज इनकी ज़ेरोधा जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है, और इनका जो नेटवर्थ है 25,600 करोड़। सोचिए जीरो से शुरुआत करने वाला आदमी 25,600 करोड़। मैं आपको आरसी बिजनेस की बात बताता हूँ कि आरसी बिजनेस का टाइकून आपको नजर आ रहे हैं, हमारे सारे सम्मानित कोर लीडर्स जिनकी इनकम महीने की 4 लाख से लेके 50 लाख या उससे भी ज्यादा है। ये भी एक बीस थे, इन्होंने भी कभी जीरो से शुरुआत किया था, लेकिन आज ये बिजनेस के बिजनेस टाइकून बन चुके हैं। और यही नहीं, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो आरसीएम से एक अच्छी जिंदगी जीने का सपना देख रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी जिंदगी भी कैसे आरसीएम ने बदली। अगर मैं अपने बहुत पुरानी जिंदगी की बात करता हूं, तो याद आता है जगदलपुर का साबुन का कारखाना, जहां पे कभी कभी ऐसा होता था कि रात पे सबके लिए खाना नहीं बन पाता था, तो मम्मी पानी पी के सो जाती थी और बोलती थी बेटा आज मेरा उपवास है। उस समय उम्र छोटी थी, सोच छोटी थी, समझ में नहीं आता था कि क्या बात है, लेकिन आज समझ में आता है कि खाने के लिए इतना होता ही नहीं था कि मम्मी सबका पेट भर सके, तो खुद भूखे पेट सो जाती थी मम्मी। वो जिंदगी हमने देखी है। मैंने उसके बाद में सारा इंडिया परिवार अंबिकापुर में जॉब किया मैंने 2.5 साल, सितंबर 2004 से लेके मार्च 2006 तक। और मार्च 2006 की अगर मैं सैलरी और इंसेंटिव बताऊं तो लगभग 25,000 के आसपास की मुझे मिली थी आज से 15 साल पहले। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की तो मेरी पहली इनकम थी 514, और अगर आज मैं बताना चाहूंगा तो सारा इंडिया से जो मैं एक महीने का कमाता था 25,000 रुपया, आज इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से उतना मैं 2 दिन में कमा लेता हूं। तो डेफिनेटली एक अच्छी इंप्रूवमेंट मुझे मिली, एक अच्छा लाइफ मुझे आरसीएम बिजनेस ने दिया है। मैं अगर अपने पुराने घर की बात करूंगा तो ये हमारा किराए का घर था, और ये वो मेरे सारे दोस्त हैं। कभी कभी हमको लगता है कि दोस्त ये नहीं करेगा तो कैसे बिजनेस में कमाई मिलेगी। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एक भी दोस्त आज आरसीएम बिजनेस में नहीं है, उसके बाद भी मैं बिजनेस में स्टार हुई हूँ। ये मेरा पुराना घर है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नजर आ रहा होगा। और आज हमने रायपुर शहर में इस शानदार बिल्डिंग में हमने घर बनाया, और 2 करोड़ की लागत से, और इसकी बुकिंग कराई लॉकडाउन में, नवंबर 2020 में इसकी बुकिंग कराई जब लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। और हमने इस साल यानी 2021 के हमने जून के महीने में इस घर में गृह प्रवेश किया, और लगभग 2 करोड़ की लागत से हमारा ये प्यारा सा हमने घर लिया, 3600 स्क्वायर फीट से ज्यादा है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक लड़का जो किराए के घर पे रहता था, अगर आप वो 3600 स्क्वायर फीट के 2 करोड़ के घर पे रहता है, तो आरसीएम बिजनेस में डेफिनेटली ताकत है कि वो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। मैंने शुरुआत में बहुत सारी मीटिंगें ली, छोटी छोटी मीटिंगें ली, हर लेवल पे मैंने मीटिंगें लिया, और इस बिजनेस के माध्यम से घूमने फिरने का मौका मिला। माई ब्यूटीफुल वाइफ पूजा, हम कई जगह घूमे भारत के, ऐसा सम्मान यहाँ पे मिलता है, लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। यहाँ पे सेलिब्रिटीज के साथ में आपको नजर आ रही होगी, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी फोटो है, मिस्टर सानिया मिर्जा जी के साथ मेरी फोटो है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये बिजनेस मौका देता है, समुद्र के नीचे का ये वीडियो है, इसका ये मौका है, ये इंजॉयमेंट है, और आदरणीय मैं TC सर के हाथों से ये मुझे जो ट्रॉफी मिल रही है, तो बड़े से बड़े मंच पे, ये बहुत बड़ा त्यागराज स्टेडियम है जो काफी बड़ा स्टेडियम है दिल्ली का, और ऐसे बड़े से बड़े मंच पर एक बड़े से बड़ा सम्मान आपके इंतजार कर रहा है। बस
इस फ्रेम में आपकी फोटो लगा ली, ये जिंदगी आपको इंतजार कर रही है, वो सपनों की ड्रीम लाइफ आपको इंतजार कर रही है, आपके घर वाले आपसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो आप कुछ बहुत बड़ा करेंगे। शायद हो सकता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म आपको आज तक ना मिल पाया हो, लेकिन अगर आज आप सिस्टम में पहली बार आए हैं तो उनके साथ में जरूर बैठेगा जिन्होंने आपको आज यहाँ पे इन्वाइट किया है। इस यूएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लगातार आते रहेगा, एजुकेशन लेते रहेगा, लेकिन इस फ्रेम में आज अपनी फोटो को आप कल्पना जरूर कीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा दिल से मानना है कि ये दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। आज देखिए पूरी दुनिया कैसे खड़ी है, इंसानों ने खड़ी की है, और आज परमात्मा ने जो सबसे ज्यादा सेम चीज हमारे पास में दी है वो दिया है 24 घंटा। तो 24 घंटा में अगर श्याम अग्रवाल स्टार भी जा सकता है, 24 घंटा में आरसीएम बिजनेस में इतने सारे को लीडर्स हो सकते हैं, इसी 24 घंटा का इस्तेमाल करके इस बिजनेस में अलग अलग प्रोफेशन से लोग आते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गृहिणिया, किसान भाई, बिजनेस, मतलब हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं और इसी 24 घंटे का प्रॉपर इस्तेमाल करके अपने काम को करते हुए पहले पार्ट टाइम करते हैं, बाद में वो डिसाइड करते हैं और प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए उस बिजनेस में कामयाब है। मेरा ऐसा दिल से मानना है अगर जिस दिन आपने अपनी फोटो यहाँ पर लगा ली और ये विश्वास कर लिया कि मैं भी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता हूं, क्योंकि आप में भी वो ताकत है, आप में भी वो हौसला है, आपके अंदर भी वो सारी काबिलियत है कि आप जिंदगी में जो चाहे वो सब हासिल कर सकते हैं। ये सिस्टम आपकी मदद करने के लिए तैयार है, ये आपके सारे अप्लाइंस आपके साथ में तैयार है। आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि सामान लेना है तो एक ऐसी दुकान से लेना है जहां से जिंदगी बदलने का एक मौका मुझे भविष्य में मिल सकता है। और यह एक ऐसा शब्द है जो आपको जिंदगी में असंभव को संभव करके दिखाता है। आपको हो सकता है कि आज कुछ ऐसी चीजों से डर लगता होगा जो आपकी कामयाबी को आपको वो कामयाबी दिला सकते हैं, लेकिन आपको उससे डर लगता है। मैं कहना चाहता हूं एक छोटा सा प्रयोग कीजिए, अगले 90 दिन तक इस बीच को, यानी कि खुद को मौका दीजिए थोड़ा सा अंकुरित होने का, कुछ नया करने का, और जो भी काम आपको लगे कि ये मेरे प्रोग्रेस में जरूरी है, अगर वो एक नंबरी काम है, अगर वो जेन्युइन काम है, अगर लोगों की बुराई करके वो काम नहीं होता है, खड़ा होता है, तो उस काम को आपको बिल्कुल करना चाहिए। और अगले 90 दिन आपको ये चैलेंज लेना चाहिए कि कोई भी काम जो मैं संकोच करता था, डरता था, झिझकता था, मैं उस काम को मैं यस बोलूंगा और 90 दिन में आपको चेंजेस 100% नजर आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्ति है ये संकल्प के साथ में शुरू होती है। यस आई कैन डू इट, इस नारे के साथ में अगर आपने अपने जिंदगी को आगे बढ़ाया कि जिंदगी में हर काम इंसान ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट्स एंड बिजनेस के साथ में आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल हो सकती है। अगेन आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिस साथी ने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है आप उनके साथ में बैठे और आप एक बीज है। और मेरा ऐसा दिल से मानना है कि आप जिंदगी की सारी खुशियां खुद ले सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड को भविष्य में आपके माध्यम से मिलने वाला है। अपनी शक्तियों को पहचाने, अपनी पावर को पहचाने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने देर तक सुना, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय आसियान। We'll be right back.